डियर स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली मैम, कंप्यूटर ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ और आप क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे जो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करना होगा। ठीक है, आज हम एमएस वर्ड को राइट क्लिक से ओपन करेंगे। राइट क्लिक, न्यू। ठीक है, इसके बाद आप ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन, मैक्सिमाइज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम बता देते हैं कि लेफ्ट, राइट और सेंटर कहाँ होते हैं आपके। ठीक है, टॉप बॉटम कहाँ होता है। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन होती है, ऊपर वाला ये पूरी हेडिंग जो होती है, ऊपर की जो लाइन होती है हमारी कहलाती है टॉप, और नीचे वाली कहलाती है हमारी बॉटम। ठीक स्टूडेंट्स, और ये वाली ये जो साइड है आपकी, ये वाली साइड कहलाती है हमारी राइट साइड। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी कहलाती है लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये जो डंडा है इसको हम बोलते हैं कर्सर, इसको हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। जब भी हम हिंदी की कॉपी होती है, हिंदी की कॉपी में आपकी जो लाइन खींची होती है साइड से, उसे हम हाशिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंग्लिश में उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट में लेके जाना है या सेंटर में लेके जाना है तो वो हम कैसे करते हैं, अगर हमें किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है तो वो हम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में ये जानेंगे स्टूडेंट्स हम। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ये कर्सर हमारा कहाँ है, लेफ्ट में है। ठीक है, अब मुझे इस कर्सर को राइट में लेके जाना है। ठीक है, राइट में लेके जाने के लिए आप कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर से अलाइनमेंट ऑफ सेलेक्ट राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में आ गए हम। राइट साइड में हम यहाँ पे कुछ लिख लें, जैसे हमने ये टाइप कर लिया। ठीक है, अब हमें कहाँ आना है, सेंटर में आना है, हमें सेंटर में आना है। सेंटर में आने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कर्सर जो है देखो आपका सेंटर में आ गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने सेंटर में। ठीक है, अब हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एल से क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ सेलेक्ट लेफ्ट साइड। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इस टाइप से हमने लेफ्ट, राइट और सेंटर में लिख लिए अपने तीनों वर्ड। ठीक है, अब फोर्थ वाली आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जो हम लाइंस लिखते हैं उनमें जो स्पेस होता है, आगे पीछे होती है हमारी लाइन, ऊपर कोई इधर भाग रही होती है, आगे को कोई छोटी पड़ जाती है। ठीक है, आगे पीछे होती है हमारी लाइनें, उनको हम इक्वल करने के लिए, उनके बीच में जो स्पेस होता है उनको इक्वल करने के लिए जस्टिफाई का यूज करते हैं, कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल जे। देखो आप, ये आ गया अपने लेफ्ट साइड में। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, जस्टिफाई हो गए। अब लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, स्टूडेंट आपको चारों ही समझ में आ गए होंगे। अब हम सीखेंगे इनका साइज बड़ा और छोटा करना। ठीक है, अब ये देखिए, आप न्यू को साइज हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो एक दो ऑप्शन है हमारे पास, लेस देन और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है साइज को बड़ा करना, और लेस का मतलब होता है, लेस देन मतलब छोटा करना। ठीक है, ग्रेटर से तो वैसे ही पता चल रहा है कि बड़ा करना, और लेस से मतलब छोटा करना। ठीक है, तो ग्रेटर और लेस को हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट को आप दबा लेंगे। ठीक है, अगर आपको साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट को आप दबाए रखेंगे और आप ग्रेटर देन को आप दबाते जाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप न्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट को हमने दबा लिया और हम ग्रेटर देन को दबा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम
देखो इसका साइज, न्यू का साइज आपका लार्ज होता जा रहा है, ठीक है, यानी बड़ा होता जा रहा है। अब इसको छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ही हम क्या यूज करेंगे, लेस देन। लेस का मतलब कम, लेस देन हो गया ये, ठीक है। इससे नीचे वाला भी हम एक बार और समझ लेते हैं। कंप्यूटर को साइज बड़ा करना है तो पहले कंप्यूटर को आप सेलेक्ट कीजिए, साइज बड़ा करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आज की। तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।